और अब उत्तराखंड के 13 जिलों की 30 खबरें फटाफट अंदाज में। हल्द्वानी में बीजेपी की पर्दाफाशशाली में हरक सिंह रावत ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सरकार के पूरे दिन हो चुके हैं। पहाड़ों में भी पर्दाफाश रैली में लोगों का अपार सहयोग मिला है। कांग्रेसी यों की नैया जो है वो लगातार डूब रही है। पूर्व स्थायी समिति के सदस्य सतपाल महाराज ने कहा भारत पाकिस्तान से कमिश्नर के अधिकृत भाग को लेकर रहेगा। महाराज ने कहा कि भारत के बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए कूटनीतिक जो रणनीति है उसका अमेरिका ने भी समर्थन किया है, इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। पौड़ी सांसद बीसी खंडूरी ने रामनगर में कहा कि कांग्रेस सरकार ने उनका लाया हुआ लोकपाल बिल ठंडे बस्ते में डाल दिया, जबकि उसे राष्ट्रपति से भी स्वीकृति मिल चुकी थी। अवैध खनन पर भी रावत सरकार को घेरा। देहरादून में समन्वय समिति की बैठक के बाद पदाधिकारियों की बैठक, निर्देश के बाद भी मंत्री नहीं हुए शामिल। बैठक में सिर्फ यशपाल आर्य पहुंचे, बाकी कोई नजर नहीं आया। ऐसे में किशोर मंत्रियों का बचाव करते हुए नजर आए। देहरादून में YWUCA द्वारा बीजापुर रोड पर नए ओल्ड एज होम की शुरुआत की गई है। राज्यपाल के पॉल ओल्ड एज होम का उद्घाटन करते नजर आए, जो केवल महिलाओं के लिए होगा। कांग्रेस की विकास यात्रा में 12 सितंबर से खटीमा से शुरू होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने इसकी घोषणा करते हुए साफ कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों पर जोरदार वार करें। डोईवाला की आशीर्वाद वाटिका में बीजेपी ने पर्दाफाश रैली का समापन किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइकों से रैली निकालकर किया प्रदर्शन। रैली त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में निकाली गई। नैनीताल पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान अफगान मूल के 4 बाइकर्स को लिया हिरासत में। सभी दिल्ली से नैनीताल बाइक से आए थे, जो माल रोड पर लापरवाही से बाइक चला रहे थे, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस से की थी। काराडूंगी के बाजपुर में चुनावी रंजिश में एक छात्र गुट ने दूसरे छात्र गुट पर फायरिंग कर दी, जिससे एक छात्र को गोली लगने से वो जख्मी हो गया। पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान है। रामनगर के बंजारी गेट 2 में कोसी नदी में खनन माफिया ने वन विभाग की टीम पर की फायरिंग। टीम अवैध खनन रोकने के लिए गई थी, वन विभाग की जवाबी फायरिंग में माफिया वहां से भाग निकले। हल्द्वानी के दवा व्यवसायी पंकज कंसल की पत्नी उमा कंसल का हत्यारा नौकर पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि संतोष मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था, उसे लगा था कि नौकरानी ने उसकी शिकायत मालकिन से की थी। चमोली में एक सप्ताह पहले बालखिला नदी में बहे युवक का शव मिला है। युवक पांडुली गांव का रहने वाला है। शव को मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कब्जे में ले लिया। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर के पर एक युवक सरयू नदी में नहाने के दौरान बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। काफी देर तक मदद की गुहार लगाता रहा। युवक की पहचान रिंकू वाल्मीकि के रूप में हुई है। प्रदेश में आयुष परीक्षा के 10 और मुन्ना भाई पुलिस के रडार पर हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ पहले ही फर्जी तरीके से परीक्षा देकर डॉक्टर बन चुके हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। दून पुलिस अभी तक मामले में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। हल्द्वानी में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सीएम रावत ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क कर दिया। अब तक डेंगू के 27 पॉजिटिव केस आ चुके हैं सामने, 12 नैनीताल के हैं। उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध दायरा बुग्याल के बेस कैंप पूरी तरह से खतरे की जद में है। भूस्खलन के चलते बारसू गांव में मकानों में दरारें आ चुकी हैं। लोग गांव छोड़ने को मजबूर हैं, ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं। अल्मोड़ा के दनिया में एक महिला सम्मेलन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने लिया हिस्सा। इस सम्मेलन में स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पार्वती मेहरा समेत कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। मसूरी में मसूरी यूथ रन का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिकेटर प्रवीण कुमार बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज गली मोहल्लों से क्रिकेट गायब हो रहा है और युवा क्लबों में खेल रहे हैं। बागेश्वर में उत्तराखंड जिला प्रेरक संगठन ने समस्याओं पर की बैठक। संगठन की बैठक में शांति ढपोला ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी शिक्षा प्रेरकों को राजकीय कर्मचारी में समायोजित कर शिक्षा विभाग और निर्वाचन विभाग में समायोजित किया जाए। सितंबर से एएनएम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रही है। एएनएम संघ वेतन की मांगों को लेकर नाराज है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एएनएम हड़ताल पर होंगी। संघ अध्यक्ष ने बताया कि
मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए, लेकिन उनके निर्देशों को भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं।